Chapter 4 Paint. Paint is an application software in which you can create attractive drawing of the choice. Paint एक application software है, इसमें हम अपनी choice के according attractive drawing बना सकते हैं. Paint. The paint is an important accessory provided by Windows where you can show your imagination and creativity. Microsoft Paint एक Windows की एक important accessory है जिसमें हम अपनी कोई भी एक्टिविटी को क्रिएट कर सकते हैं. जो भी हम मन में कुछ भी एक्टिविटी सोचते हैं उसको बना सकते हैं. द सेम पिक्चर कैन बी प्रेजेंटेड इन डिफरेंट वे बाय यूजिंग डिफरेंट टूल इन पेंट. माइक्रोसॉफ्ट पेंट में हम पिक्चर्स को प्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के टूल्स को यूज कर सकते हैं. ओपन द पेंट. यू कैन फाइंड पेंट बाय टाइपिंग द वर्ड पेंट इन द सर्च बॉक्स ऑफ द स्टार्ट मेनू. स्टार्ट मेनू में सर्च बॉक्स पे अगर हम पेंट वर्ड को टाइप करते हैं तो हम पेंट को फाइंड कर सकते हैं इन विंडोज 7. और अल्टरनेटिवली यू कैन फाइंड इट. जब हम सर्च बॉक्स में पेंट वर्ड को टाइप करते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट पेंट हमारे कंप्यूटर में जहाँ पर भी हो स्टार्ट मेनू में शो हो जाता है. वहाँ पर हम डबल क्लिक करके पेंट को ओपन कर सकते हैं. ओपन द पेंट. पेंट को ओपन करने के लिए क्लिक स्टार्ट बटन, सेलेक्ट ऑल प्रोग्राम मेन्यू, सेलेक्ट एसेसरीज ऑप्शन, क्लिक ऑन पेंट ऑप्शन. माइक्रोसॉफ्ट पेंट को ओपन करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं. नेक्स्ट हम ऑल प्रोग्राम्स को सेलेक्ट करते हैं. इसके बाद हम एसेसरीज ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं. नेक्स्ट हम पेंट पर क्लिक करते हैं तो पेंट की एक विंडो ओपन होकर आती है. माइक्रोसॉफ्ट पेंट जब हम पेंट को ओपन करते हैं तो ये एक विंडो आती है जिसमें सबसे ऊपर हमारा टाइटल बार होता है जिसमें जो भी फाइल हम सेव करते हैं उसका नेम शो करता है. सेकंड लाइन में हमारे टैब्स होते हैं, होम व्यू. इसके बाद हम नेक्स्ट हमारा रिबन्स होता है जिसमें ये पेंट टूल्स ग्रुप इमेज ये सब शो कर रहा है. इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो व्हाइट कलर का एरिया दे रहा है इसको हम ड्राइंग एरिया या टेक्स्ट एरिया बोलते हैं. साइड में हमारा ऊपर नीचे करने के लिए स्क्रॉलर बार होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉलर बार. एक स्केल भी इसमें शो होता है जिसको हम रूलर बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूलर्स. वर्किंग विद टूल्स. पेंट इज ए प्रोग्राम विच यू कैन यूज टू क्रिएट ड्राइंग ऑन ए ब्लैंक कैनवस और ऑन टॉप ऑफ अदर पिक्चर्स. माइक्रोसॉफ्ट पेंट में कोई भी ड्राइंग्स हम जो ब्लैंक कैनवस होता है उसमें ड्रॉ करते हैं. द प्रोग्राम फीचर ए टूल बार ऑन द टॉप ऑफ द विंडो. माइक्रोसॉफ्ट पेंट में ड्राइंग करने के लिए जो टूल्स होते हैं वो विंडो के टॉप्स में अवेलेबल्स होते हैं जिसमें हमारा पेंसिल कलर, फिल विद कलर, टेक्स्ट टूल, इरेजर टूल्स, पिक कलर्स और मैग्नीफायर टूल्स यूज होते हैं. ब्रश टूल्स भी इसमें होता है जिसकी मदद से हम पेंट में ड्राइंग्स कर सकते हैं. वर्किंग विद कलर्स. बाय यूजिंग कलर टूल्स यू कैन चूज फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर. माइक्रोसॉफ्ट पेंट में कलर्स करने के लिए हम दो तरह के कलर्स यूज करते हैं, फोरग्राउंड कलर्स और बैकग्राउंड कलर्स. फोरग्राउंड कलर्स. फोरग्राउंड कलर्स क्लिक द फोरग्राउंड कलर्स बटन, सेलेक्ट कलर फ्रॉम कलर प्लेट. सबसे पहले हम फोरग्राउंड कलर लेने के लिए कलर वन पर क्लिक करते हैं. इसके बाद जो कलर्स की विंडो शो हो रही है इसमें से हम कलर को सिलेक्ट करते हैं. जो भी पिक्चर्स बनाते हैं उसके फोरग्राउंड में वही कलर्स आता है जो कलर वन में होता है. बैकग्राउंड कलर. बैकग्राउंड कलर्स क्लिक द बैकग्राउंड कलर ऑफ बटन, सेलेक्ट कलर फ्रॉम कलर प्लेट. माइक्रोसॉफ्ट पेंट में हम बैकग्राउंड का कलर देने के लिए कलर टू पर क्लिक करते हैं सबसे पहले. इसके बाद हम कलर प्लेट में से कलर को सिलेक्ट करते हैं. जो कलर हम सिलेक्ट करते हैं वो हमारी जो पिक्चर हम ड्रॉ करते हैं उसके बैकग्राउंड में होता है.